दोस्तों जहाँ तक हम जानते हैं अपना आईफोन हैक नहीं होता है, पर आजकल आपने सुना होगा आईफोन 11 इवन आईफोन 12 भी हैक हुआ है पेगासस वायरस के थ्रू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेगासस वायरस है क्या और इसका क्या नुकसान है और कैसे आप इससे बच सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है या फिर आप एंड्रॉयड यूज करते हो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सो हाय गाइस, मेरा विनय एंड वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। यहाँ पर बात करें इस वायरस की तो ये एक स्पाईवेयर है जो कि इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया है NSO ग्रुप द्वारा। सबसे पहली बात, ये वायरस इस साल ही नहीं आया, ये वायरस पहले से इस कंपनी ने बना के रखा था, पर रिसेंटली ये थोड़ा हाइप में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर आपने सुना है कि आईफोन पर भी अटैक हुआ इस वायरस का। और जैसा कि आपको पता है हमारा आईफोन अपने सिक्योरिटी के लिए तो माना जाता है। यहाँ पर हम ये बात भी करेंगे, यहाँ पर एप्पल कंपनी की तरफ से कोई गलती थी या फिर गलती उन लोगों से हुई जिनके डिवाइस में ये वायरस आया। सबसे पहले जान लेते हैं कि पेगासस है क्या और ये कैसे वर्क करता है और आपके फोन में कैसे ये आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्पाईवेयर है जो कि बहुत सारे तरीकों से आपके फोन में आ सकता है। व्हाट्सएप पर अगर आपको कॉल आती है, इवन कॉल से भी आपका फोन जो है वो हैक हो सकता है। अगर आप गूगल से कहीं भी रैंडम साइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं या कोई भी छोटी सी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, इवन आप किसी ऐसी अननोन वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, तब भी आपके फोन में वायरस आ सकता है। और ये वायरस किसी फोटो के अंदर भी हो सकता है, किसी एक पिक्सल के अंदर भी कोड हो सकते हैं इस वायरस के, और उसके थ्रू आपके फोन के अंदर ये आ सकता है। अब आपको बता दूं कि ये वायरस करता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक स्पाईवेयर है, अगर आपके फोन में आता है तो जो हैकर है उसके पास पूरा एक्सेस होगा आपके डिवाइस का। वो आपके फोन का कैमरा यूज कर सकता है, आपके फोन से किसी को कॉल कर सकता है, आपके व्हाट्सएप चैट पढ़ सकता है, किसी को मैसेज कर सकता है, इवन पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाता है। वो उस हैकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे और किस तरह से आपको फोन का यूज करना चाहता है। इवन वो आपके फोन का 24 घंटे कैमरा भी ऑन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फोन का कैमरा जो है वो ऑन भी है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो इस चीज का पता लग जाता है क्योंकि आपका फोन की जो है बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, और दूसरा आपको फोन नॉर्मली अगर आप कुछ भी यूज नहीं करो तब भी वो हीट होगा। तो इस तरीके से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपके फोन में वायरस है। चलिए अब बात करते हैं इसराइल की इस NSO ग्रुप की कंपनी ने इस वायरस को क्यों बनाया। यहाँ पर इस वायरस को इसलिए बनाया गया जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सके, तो इसलिए ये वायरस बनाया गया है ऐसा इजरायली कंपनी कहती है। और ये वायरस कोई सस्ता वायरस नहीं है, बहुत ही महंगा वायरस है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जब आप इसका प्राइस सुनोगे ना आपको मजा आ जाएगा, भाई क्या ऐसा भी होता है एक वायरस के इतने ज्यादा प्राइस, क्योंकि ये वायरस है ही ऐसा। वायरस कॉस्टली है, कॉस्टली होने की वजह से इस वायरस का यूज भी लिमिटेड लोगों पर यूज किया जाता है। यहाँ पर बात ये, अगर ये वायरस गलत लोगों के पास में जाता है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, और सही लोगों के पास जाता है हमारी गवर्नमेंट वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को पहले पता लगा सकती है। और यहाँ पर इसराइली NSO ग्रुप ने ये पहले कह दिया है कि यहाँ पर इस वायरस का यूज अमेरिका के ऊपर बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, और यहाँ पर इंडिया में भी इस वायरस के अटैक देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिक्स और जर्नलिस्ट लोगों के स्मार्टफोन में। और यहाँ पर आईफोन में पेगासस स्पाईवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि आईफोन में iMessage जीरो क्लिक के थ्रू वायरस का अटैक किया गया, तो उस वजह से आईफोन भी यहाँ पर हैक हुआ है। यहाँ पर ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं और आप भी गूगल करके देख सकते हो। पर यहाँ पर एक बात है, एप्पल ने ऑलरेडी इस वायरस को लेकर अपडेट दे दी थी। यहाँ पर गलती ये हो सकती है फोन को अपडेट ना करना, तो जब भी अपडेट आती है तो अपडेट करो अपने फोन को। अपडेट करने का फायदा ये रहता है फोन जो है वो हैकिंग से बचते हैं और आपका डाटा लॉस होने से बचता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती है, पर जो क्रिमिनल लोग होते हैं जो कि गलत माइंड वाले होते हैं उनके लिए छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बड़ी सजा बन सकती है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने डाटा का थोड़ा ध्यान रखा करो। थोड़े से पैसे बचाने के लिए फ्री वाली एप्स को आप डाउनलोड कर लेते हो, उससे काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं एक बार डार्क वेब पे गया था, उस टाइम मेरे पास था नोकिया का 7 प्लस, तो मेरा फ़ोन जो है वो हैक हुआ था बहुत गंदे तरीके से। जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे सारा डाटा एक सेकंड में सर्वर के ऊपर कहीं चला गया था, और मेरे फ़ोन का ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। उसके बाद मैंने कैसे ना कैसे करके अपने कंप्यूटर के साथ में डाटा केबल लगा के उसको पूरा फैक्ट्री रीसेट किया, पूरा OS जो है ना उसमें पूरा फिर से डालना पड़ा, उसके बाद वो फ़ोन चला। पर जो मेरा उस टाइम का डाटा था वो कहीं डार्क वेब के किसी सर्वर पे
चला गया। आई डोंट नो कि वो मेरे साथ प्रैंक हुआ था या सीरियसली वो डाटा जो है वो कहीं पर चला गया था। उसके बाद तो मैं डार्क वेब के ऊपर कभी भी नहीं गया। थोड़ी सी स्टोरी और भी है पर मैं आपको इस वीडियो में बताना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब यही था, डाटा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो तो आपका डाटा आपका गहना है, ये कह सकते हैं हम। और यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गया, अगर ये वायरस आपके फ़ोन में आता है आप फैक्ट्री रीसेट कर दो अपने फ़ोन को, जो मर्जी कर लो ये वायरस आपके फ़ोन से नहीं जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, आप अपने फ़ोन को तोड़ दो, नया फ़ोन ले लो या फिर जो स्टोरेज होती है फ़ोन की उसको कंपनी के थ्रू रिप्लेस करवा लो, वो तरीका है। उसके अलावा ये वायरस आपके फ़ोन से रिमूव नहीं होगा। तो सीधी सी बात ये, एक बार आपके फ़ोन में वायरस आ गया आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात करें हमारे जैसे किसी नॉर्मल के स्मार्टफोन में अगर ये वायरस आता है, आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा महंगा वायरस है। डॉलर में बात की जाए तो इस वायरस का जो प्राइस है वो है 7 से 8 मिलियन डॉलर 50 यूजर्स के लिए, और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 70 लाख से ऊपर ये वायरस है। आप गूगल भी कर सकते हो। तो अभी आपको इतना पता चल चुका होगा कि इतना ज़्यादा महंगा ये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसे नॉर्मल इंसान तो कोई खरीद नहीं सकता। और यहाँ पर कंपनी भी ये कहती है कि हम गवर्नमेंट्स वगैरह को ही इस वायरस को देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बिलियनेयर हैं वो शायद इस वायरस को खरीद पाएँ, और वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो देती या फिर नहीं। तो अभी आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि हमारे से लोगों के लिए इस वायरस का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे डाटा के लिए कोई इतने पैसे स्पेंड करने वाला नहीं है, क्योंकि स्पेंड करेगा तो उसके घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको टेंशन थी कि क्या पता मेरे फ़ोन में ये वायरस आ जाए, तो आपके फ़ोन में तो नहीं आएगा ये वायरस, पहले आपको बड़ा लोग बनना होगा उसके बाद ही आपके फ़ोन में ये वायरस आएगा। थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ कभी कभी, थोड़ा सस्ता मजाक होता है मेरा, बाकी आप बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में कितना सस्ता था। चलिए अब बात करते हैं इस वायरस से बचा कैसे जाए। देखो सबसे पहली बात, जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं ना उनको अपडेट करो, अप टू डेट रखो अपने फ़ोन को, और ऐसे रैंडम साइट्स पर मत जाओ, फ्री की APK फाइल्स इन सबको डाउनलोड मत करो। आईफोन यूजर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इस मामले में, क्योंकि अगर आप अपडेट रखोगे अपने फ़ोन को तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आईफोन जो है ना वो बिल्कुल ही हैक नहीं होता है, आईफोन भी हैक होते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताता हूँ, काफ़ी टाइम पहले FBI ने एक क्रिमिनल को पकड़ा था, उसके बाद FBI उस क्रिमिनल के फ़ोन को अनलॉक करना चाहती थी पर FBI उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी, तो एप्पल वालों ने मना कर दिया था। तो FBI ने इसराइल की मदद ली, इसराइल की कंपनीज वगैरह बहुत ही आते हैं, बहुत ही तगड़ी हैं इस मामले में, तो उन्होंने आईफोन को अनलॉक करके दिए। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि आईफोन भी हैक हो जाते हैं, पर ये काम सस्ता नहीं है, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है। तो यही है, वायरस हमारे लिए वैसे खतरनाक है नहीं, बाकी आप अपने फ़ोन को अपडेट रखो किसी भी तरह से वायरस से बचाने के लिए। और लास्ट थिंग, अगर आपके पास आईफोन भी है तो डार्क वेब पे मत जाना, और जा भी रहे तो फ़ोन को अपडेट रखना। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।